जहांगीर न्याय सुनाते थे, जहांगीर के पीछे एक पर्दा लगा हुआ था और पर्दे के पीछे नूरजहां बैठा करती थी और नूरजहां का हाथ जहांगीर की पीठ पर होता था। एक बार जहांगीर नूरजहां के भाई आशफ खां को दंड दे रहे थे, उस समय नूरजहां का हाथ जहांगीर की पीठ से हिल गया और जहांगीर ने नूरजहां से कहा, आज तक मैंने इतने लोगों को दंड दिया, आज तक आपका हाथ नहीं हिला और आज जब आपके भाई को दंड देने की बारी आई तो आपका हाथ हिल गया, तो कुछ दंड कुछ सजा तो आपकी भी बनती है। और उस समय जहांगीर ने एक लोहे की रॉड गर्म की और उस लोहे की रॉड से नूरजहां के जो हाथ हिला था, जो पीठ पर था, उसे हाथ को लोहे की गरम रॉड से दागा गया। इसके बाद नूरजहां के हाथ में दाग बन गया, काला दाग बन गया। इसके बाद अब नूरजहां के हाथ में जब दाग बन गया तो प्यार अपनी जगह, दंड अपनी जगह। और इसके बाद जहांगीर ने अपने राज दरबार में सभी सुनारों को आमंत्रित किया और कहा कि आप कोई ऐसा जेवर बनाइए जो हाथ की शोभा बढ़ा दे और हाथ में जो काला दाग है वो काला दाग भी छुप जाए। और उसी समय सुनारों ने एक नया आविष्कार किया था, हाथ फूल का आविष्कार किया था और नूरजहां के हाथ की शोभा भी बढ़ गई और जो जो यहां पर काला दाग था वो काला दाग भी छुप गया। तो ये हाथ फूल का आविष्कार जो है ये जहांगीर के शासनकाल में किया गया था। जय हिंद साथियों।